Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding again. And this is the sub-series of chemical bonding, which is stereochemistry and bonding in main group compounds. Okay? तो बच्चों आपका स्वागत है इस chemical bonding की lecture series में, जहां पर हम sub-series जो discuss कर रहे हैं वो है stereochemistry and bonding in main group compounds. Okay? And in the previous lecture, we had discussed about the isovalent hybridization. और अगर मैं आपको repeat करूं तो आपने ये देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल एटम से, तो वहां पर आपने देखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैस ऑर्डर का, सेकेंडरी ऑर्डर का, आपने सेकेंड ऑर्डर का हाइब्रिडाइजेशन भी देखा वहां पर, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने से उनमें एस और पी करेक्टर क्या होता है, चेंज हो जाता है. और जैसे जैसे एस और पी करेक्टर चेंज होता है वैसे वैसे आपने देखा बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है. और बॉन्ड एंगल चेंज होने की वजह से आपने देखा कि जहां पर पी करेक्टर कम होता है वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होता है, जहां पर पी करेक्टर अधिक होता है वहां पर बॉन्ड एंगल कम होता है. या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर एस रिच ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर बॉन्ड एंगल अधिक होता है. जहां पर एस करेक्टर कम होता है वहां पर बॉन्ड एंगल कम होता है. एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्रैगो रूल, क्योंकि ड्रैगो रूल जो जनरेट हुआ है वो आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही आप देखेंगे कि किस तरीके से जो जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सीरीज के बाद वो चेंज नहीं होते हैं, लगभग बॉन्ड एंगल्स एक से ही रहते हैं, तो उसको हम ड्रैगो रूल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. जब आप बच्चों ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो चेंज होते हैं और कई जगह पर ये कांस्टेंट रहते हैं. ओके, तो क्लियर हो जाएगा एकदम. जो हमने इससे पहले जो आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसको ही हम यहाँ पर अप्लाई करके एक नया कंसेप्ट डेवलप करेंगे जो कि ड्रैगो ने दिया था वो रूल. अब आप देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये देखिए 14th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, ये 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, और ये 16th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं. अगर आप इनके बॉन्ड एंगल को देखेंगे तो देखिए जो 14th ग्रुप है यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखेंगे अगेन ये जो जो बॉन्ड एंगल है ये डिक्रीज हो रहा है. ओके, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है. अब आप देखिए कि यहाँ पर NH3 से जब हम PH3 की ओर जाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया 107 से 93.8. ओके, और H2O से जब हम H2S गए तो ये 105 से 92 हो गया. ओके, लेकिन आप नीचे जाइए और नीचे जाइए तो H2S से जब हम H2P हो जाते हैं तो आप ये देखेंगे लगभग जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 90 के आसपास रहता है. और अगर आप यहाँ PH3 से BIH3 जाएंगे तो बॉन्ड एंगल आप देखेंगे लगभग 90 डिग्री के आसपास ही रहता है. ओके, तो ये एक बड़ा पॉइंट आपको नोट करना है कि जब हम, ये कौन सा पीरियड है बच्चों, सेकंड पीरियड, और ये है थर्ड पीरियड. तो जब हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है. कब? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, मतलब 15th और 16th ग्रुप के अगर हम हाइड्राइड्स देखें तो सेकंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो वो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है. लेकिन थर्ड पीरियड से जब हम फोर्थ जा रहे हैं, फिफ्थ जा रहे हैं या सिक्स्थ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है जब हम थर्ड से आगे बढ़ रहे हैं. ओके, जबकि 14th ग्रुप के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा है रूल. केवल ये जो रूल है ये कहां पर फॉलो हो रहा है, 15th ग्रुप एंड 16th ग्रुप, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड एंगल लगभग जो है वो क्या है, 90 डिग्री के एंगल है. और अगर ये 90 डिग्री के एंगल है तो वी जस्ट put the concept of isovalent hybridization and then see how much amount of S character will be
towards the bonding orbitals and towards the lone pair of electron. कितना कितना difference है उसको हम calculate करने की कोशिश करते हैं कि अगर central atom का जो hybridized orbital है जो hydrogen के साथ bond बनाएंगे उनमें कितना s character है और जिसमें lone pair of electron होगा उसमें कितना s character है उसको हम compare करेंगे. तो हम एक कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे जो कि हम फॉस्फिन की करेंगे, पीएच 3 की हम कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे और इसे हम लगभग 94 डिग्री एंगल मानते हुए इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं. अब देखिए हम ये देखना चाह रहे हैं बच्चों कि ये फॉस्फिन है, ओके फॉस्फिन है, इसके साथ एच जुड़ा है और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके. तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस एस जो पी है इसके कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इस लोन पेयर के साथ हैं और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं, उनके परसेंट एस करेक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल आपने देखा था, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना हमने कहा 94 डिग्री. अगर ये 94 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/a - 1/a, ओके. तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कॉस जो थीटा है कॉस 94 है, ओके. कॉस 94 इज इक्वल टू 1/-1/a, ओके. तो यहां से हमें cos 94 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.069 -1/a. तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी होगी 1/0.069, ओके. तो हमें क्या मिल गई, देखिए a की वैल्यू हमें मिल गई और जब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू मिलने के बाद हम परसेंट s करेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रैक्शन ऑफ एस करेक्टर आपने देखा था वो क्या था 1/1 + a और a की वैल्यू आपने देखी, a की वैल्यू क्या है 1/0.069. तो ये जो फ्रैक्शन आएगा ये फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा एस करेक्टर का फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन एस होगा. तो ये जो फ्रैक्शन आता है वो आता है, जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 0.06, यानी कितना एस करेक्टर होगा 6% एस करेक्टर होगा, ओके. किसमें होगा, हमने बॉन्ड एंगल कहाँ पर देखा, जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, इसलिए वो ऑर्बिटल्स जो कि एच की ओर हैं उनमें कितना परसेंट है 6% एस करेक्टर है, ओके. 6% एस करेक्टर मतलब 94% पी करेक्टर है, ओके. यहां पर 6% एस करेक्टर है मतलब जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां 94% क्या है एस करेक्टर है, क्योंकि 6% एस करेक्टर इधर है, ओके. सिक्स परसेंट करेक्टर यहाँ है तो यहाँ पर कितना परसेंट, अच्छा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6% है, यहाँ पर भी 6% है, ओके. तो यहाँ पर जो परसेंट एस करेक्टर होगा वो कितना होगा, आप देख लीजिए 18 को इसमें से माइनस कर देंगे तो लगभग 82% एस करेक्टर जो है वो इधर होगा. तो आप कैसे कह सकते हैं इसको 94% पी करेक्टर, 94% पी करेक्टर का मतलब क्या है कि यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल, आपने कभी 6% एस करेक्टर किसी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा, आपने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपने पढ़ा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपने पढ़ा sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपने पढ़ा 25% एस करेक्टर, आपने पढ़ा 33% एस करेक्टर और आपने पढ़ा यहां पर 50% एस करेक्टर. तो क्या आपने कहीं पर 6% एस करेक्टर पढ़ा, नहीं पढ़ा, मतलब ये जो एस करेक्टर है वो 25% से कम है. इसका मतलब है यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इन बॉन्ड्स में जो ऑर्बिटल्स पी के इसकी ओर है उनमें 94% पी करेक्टर है, 94% पी करेक्टर जो कि लगभग प्योर पी ऑर्बिटल के जैसा है. और अगर हम इधर देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो वहां पर जो एस करेक्टर है वो 82% के आसपास है जो कि आप देख सकते हैं कि 50 से भी बहुत ऊपर है. और अगर ये 50 से बहुत ऊपर है क्योंकि आपने 50% से ऊपर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है जिसमें एस करेक्टर होता है, इसका मतलब यहां पर जो पी के ऑर्बिटल हैं वो प्योर एस ऑर्बिटल हैं. इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, फॉस्फोरस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, मतलब इसके जो प्योर पी ऑर्बिटल हैं वो
हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं और जो प्योर एस ऑर्बिटल है वो क्या कर रहे हैं, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि अगर इस फॉस्फीन में क्या होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये जो एस करेक्टर है वो 25% से अधिक आता, ओके। और ये जो पी करेक्टर है ये 50% से ऊपर आप इसे नहीं देखते, तब आप कहते कि यहाँ पर मिक्सिंग हुई है। तो यहाँ पर जो एस करेक्टर है वो 6% है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो इसका मतलब एस और पी ऑर्बिटल मिक्स हुए ही नहीं। अगर ये मिक्स नहीं हुए तो इसका मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो अभी मैं आपको इसको एक बार टेबल से भी दिखा रही हूँ कि अगर मैं पीपीएच3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हम इसको PPH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे, यहाँ पर नो हाइब्रिडाइजेशन है। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इफ वी कैलकुलेट, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज जो A है वो क्या है, 1/0.069, ओके। तो ये जो 94 का एंगल है इसकी वजह से S करेक्टर 6% है और जो P करेक्टर है वो 94% है। इसका मतलब है कि ये इसके जो पी ऑर्बिटल है वो प्योर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और जो एस ऑर्बिटल है उसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें कि PH3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन कोशिश करें कि हो, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी लगभग 600 किलो जूल पर मोल होती है। इतनी एनर्जी चाहिए इसको हाइब्रिडाइज करने के लिए। तो इस एनर्जी फैक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए ये क्या कोशिश करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो एस ऑर्बिटल में चले जाए, प्योर एस ऑर्बिटल में, और जो बॉन्डिंग है वो प्योर पी ऑर्बिटल की थ्रू इसमें हो। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी क्या नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स हैं NO, ओके। तो जो नाइट्रोजन और H2O जो ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे उनके हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, 90 के आसपास हैं। और अगर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास हैं, जो कि कम हो गया है, बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल कम हो गया है, इसका मतलब एस करेक्टर बहुत कम है और इतना कम है कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं ड्रैगो रूल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स के बाद अगर हम देखेंगे सारे हाइड्राइड्स जहां पर एंगल 90 डिग्री के आसपास है, वहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि जो पी है, पी का जो प्योर एस ऑर्बिटल होगा, इसका प्योर एस ऑर्बिटल वहां पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इसके प्योर पी ऑर्बिटल होंगे वो हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर एस करेक्टर 6% है, ओके। अगेन मैं आपको बता रही हूं कि बॉन्ड जो जो एस करेक्टर है वो 6% है, 6% का मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर मिक्सिंग हो ही नहीं रही है, तो प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं और जो प्योर एस ऑर्बिटल है वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको हम कहते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन। अगर हम कहें कि PH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं, ये गलत है, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। जो अभी तक हम कहते हुए आ रहे थे कि हाँ इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्योर एस और प्योर पी ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट करते हैं सेंट्रल एटम के, और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो होता क्या है, देखिए NH3 को अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है, ओके, और फास्फोरस का साइज क्या है, बड़ा है, ओके। ये जो नाइट्रोजन है जो ऊपर है और जो फास्फोरस है वो नीचे है, ओके। तो अगर मैं छोटे साइज को देखूं तो यहां पर क्राउडिंग अधिक है, यहां पर भीड़ हो सकती है। तो इसकी अगर मान लीजिए इसके साथ में क्या 3H लगा रही हूं, तो 3H इस तरीके से होंगे कि एंगल क्या हो, मैक्सिमम और जो कि 107 हो जाए एंगल, ओके। तो
यहाँ पर क्या होगा, क्राउडिंग की संभावना है, छोटा साइज है, लेकिन अगर मैं इस फॉस्फोरस को देखूं तो यहाँ पर क्राउडिंग की संभावना कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और बॉन्ड एंगल अगर कम हो जाएगा तो आपने देखा कि बॉन्ड एंगल कम मतलब मोर पी करेक्टर। अगर बॉन्ड एंगल कम है मतलब पी करेक्टर क्या है, अधिक है। पी करेक्टर इतना अधिक है कि एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती है। तो अगर एस और पी मिक्स हो रहे होते तो एस यहां पर होता, और एस होता तो हाइब्रिडाइजेशन भी होता। ओके, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे यहां से साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होगा कि क्राउडिंग की प्रॉब्लम कम होगी, और जितनी क्राउडिंग की प्रॉब्लम कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, और जितना कम बॉन्ड एंगल होगा उतना क्या होगा, पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, एस की मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि एस जहां होगा वहां बॉन्ड एंगल अधिक होगा, और अगर एस है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, मिक्सिंग कम होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, और जो प्योर एस ऑर्बिटल है वहां पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर हम ड्रैगो रूल को देखें बच्चों, ड्रैगो रूल है क्या, so according to Drago rule there should be at least one lone pair of electron on the central atom, एक lone pair of electron होना जरूरी है central atom पर। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर phosphorus के पास क्या था, lone pair of electron था, तो सबसे पहली condition क्या है, lone pair of electron होना चाहिए। okay, सेकेंड कंडीशन अगर हम देखेंगे तो वो क्या है बच्चों, वो ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको थर्ड पीरियड से सेवन्थ पीरियड के का होना चाहिए, और 13th to 16th ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, जो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्राइड है उसको थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन पीरियड का मेंबर होना चाहिए, और इसको जो ग्रुप है देखिए वो 15th ग्रुप से 16th ग्रुप, ये ग्रुप उसके हो सकते हैं, उसका मेंबर वो होना चाहिए। सो दीज आर टू कंडीशंस फॉर ड्रैगो रूल। देन नेक्स्ट कंडीशन इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन। तीसरी जो कंडीशन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम्स की। तो जो सराउंडिंग एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट शुड बी 2.5 और लेस देन 2.5। तो जो सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब वो बहुत कम होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा देखिए, इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे मैं हमने फास्फोरस लिया है और ये पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई कि एक 15 ग्रुप का मेंबर है, तीसरी कंडीशन क्या है, जो इसके साथ जो सराउंडिंग एटम्स हैं इन सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन 2.5। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 2.5 से कम होनी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, देखिए अगर ये PCl3 होता तो फिर यहां पर ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं होता। ये ड्रैगो रूल इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, एच जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। तो देखिए यहां इससे फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये जो एच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। तो इसका साइज अगर बड़ा होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसका साइज अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि यहां पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि क्राउडिंग की दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, पी करेक्टर क्या है, हाई है। ओके, और अगर पी करेक्टर हाई है तो फिर एस करेक्टर, यानी तब क्या होगा, एस एंड पी की मिक्सिंग जो थी वो नहीं हो पाएगी, और अगर एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी तो फिर नो हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
तो ये जो मॉलिक्यूल है वो तीन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की जो जो ग्रुप है वो 15th ग्रुप है, और इसके अलावा आप देखिए जो इसके साथ सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी लगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, जिससे कि इस फॉस्फोरस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो क्राउडिंग कम होगी, क्राउडिंग कम होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का मतलब पी की जो करेक्टरिस्टिक है वो बढ़नी, और अगर पी की करेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो कि यहां पर लगभग 94% होती है, तो फिर एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी। और एस और पी की मिक्सिंग नहीं होगी मतलब यहां एस ऑर्बिटल का जो एस का जो करेक्टर है वो लगभग 6% था, जो कि बहुत कम है, तो फिर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पी जो है वो हाइब्रिडाइज्ड है, बल्कि पी में यहां पर क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल है, देखिए ये 90° का होता है, जो एंगल होता है देखिए वो क्या होता है, 90° के आसपास का एंगल। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इसका हम नहीं कहेंगे, कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि ये एंगल 90 के आसपास होता है। ओके, तो इस केस में आप देखेंगे कि पी की ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं होगी, इससे क्या होगा, पी के जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो एच के साथ बॉन्डिंग करेंगे, और जो एस ऑर्बिटल है प्योर उसमें क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी 4। टोटल इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। और अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो पी है वो 15 ग्रुप का मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें है, और जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सो नो हाइब्रिडाइजेशन विल अकर इन सच काइंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जहां पर बॉन्ड एंगल लगभग 90 के आसपास होता है, और ये सारी कंडीशंस को अगर फॉलो करेगा तो वहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद नीचे उसके बाद जितने भी हाइड्राइड्स इनके बनते हैं उन सब में बॉन्ड एंगल लगभग 90° के बराबर होता है, तो यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। दिस इज ड्रैगो रूल। इसी ड्रैगो रूल के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि NH3 एक अच्छा बेस है और PH3 एक अच्छा बेस नहीं है। देखिए NH3 में क्या है, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ओके, और PH3 में जो इसका p का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, s ऑर्बिटल में, प्योर s ऑर्बिटल में। और प्योर s ऑर्बिटल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, बहुत अंदर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से शेयर नहीं कर सकता। जबकि NH3 का जो n पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, मतलब उसमें थोड़ा पी करेक्टर भी है, तो पी जो है वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, और इसका मतलब है एन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। इसीलिए NH3 क्या करता है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है और ये पानी में आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से दे सकता है, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और PH3 का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, s रिच ऑर्बिटल में। तो इसके बेसिस पर हम इनकी सॉल्युबिलिटी या फिर इनकी बेसिक नेचर को भी डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने आइसोवेलेंट जो हाइब्रिडाइजेशन था उसको यहाँ पर लागू किया, और उसको करने के बाद हमने देखा कि यहाँ जो ये जो सीरीज है हाइड्राइड्स की, यहाँ पर लगभग 90° का एंगल था, और यहाँ पर आपने देखा कि जो परसेंट एस करेक्टर था वो क्या था बच्चों, वो बहुत कम था बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे यानी जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहां पर ये करेक्टर बहुत ज्यादा था। इसका मतलब कि ऐसी जगह पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अगर वो इन सर्टेन रूल्स को फॉलो करे, यानी वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, थर्ड से सेवन्थ पीरियड का, या 13 से 16 ग्रुप का मेंबर होना चाहिए सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए, और 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तो सेंट्रल एटम पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वो लगभग 90° का एंगल फॉर्म करता है।
तो आपने देखा कि हमने जस्ट देखिए कितना हम लोग लिंक करते जा रहे हैं लेक्चर्स को, तो हमको यहाँ पर ये पता लगा कि हाँ कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और वो हमने आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उसको स्टडी किया। तो अब हमें यह भी पता चल चुका है कि कोई ऑर्बिटल्स जो होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उनमें एस करेक्टर अधिक होता है, और कोई ऐसे होते हैं जिनमें पी करेक्टर अधिक होता है। उसी के बेसिस पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम बेंट रूल पढ़ेंगे। लेकिन बेंट रूल पढ़ने से पहले वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपने डिफरेंट टाइप से भी आपने देखा, और उस पर बेस्ड हम देखेंगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जेटिक्स क्या होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।